स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए गेम प्ले में, जहाँ पे हम शैतानों की दुनिया में भाई पूरी जगह जॉम्बी जॉम्बी है। पहले एपिसोड में न्यूयॉर्क में सारे जॉम्बी इधर उधर भाग रहे थे भाई। दूसरे एपिसोड में हम मेट्रो से एस्केप किए और हमारी मेट्रो फंस गई थी, लेकिन हमने कैसे भी करके उसको निकाल लिया। थर्ड एपिसोड में भाई हमने शिप से एस्केप किया भाई न्यूयॉर्क सिटी से बाहर, लेकिन यहाँ पे हमारे शिप का पेट्रोल खत्म हो चुका है और हम यहाँ फंस चुके हैं शहर के अंदर। फिर से यार वही परेशानी, लेकिन अभी मुझे अपनी टीम के साथ शहर के बीचों बीच रास्ता ढूंढना है भाई। ये एपिसोड 4 होने वाला है और देखते हैं आगे गेम प्ले में क्या होगा। भाई मेरे साथ तो काफी ज्यादा लाशें बिछी हुई और ये लाशें कभी कभी जिंदा हो जा रही हैं। सामने से देखो लाशें उठ करके आ रहे हैं भाई। रुक जाओ, ये तो घेर लिया मुझे उठ के। अरे रे रे रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये तो बड़ा प्रैंक हो गया हमारे साथ, क्योंकि मुझे लगा लाशें होंगी लेकिन ये कभी भी खड़ी हो जा रही है, तो यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे कोई रास्ता देखना पड़ेगा, मुझे जल्दी से ब्रिज के पास पहुँचना है, तो मैं एक दूसरा रास्ता ले लियो। यहाँ पे शायद मैं ब्रिज पे आसानी से पहुँच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं यार। ये तो 2-4 है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा आ गई ना तो मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूँ, लग रहा है ये रास्ता मुझे ब्रिज तक लेके जा सकता है। अरे नहीं यार, ये मशीन गन मेरे पे चलने लग गई थी। रुको, इस मशीन गन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये हम पे वरना वे फालतू में गोली चलाएगी। दूसरी वाली भी है, इसको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा हमें। अरे नहीं, अरे भाई मैं मशीन कंट्रोल करने आया था भाई, तेरे को मारने नहीं आया था, कसम से भगवान कसम, मैं नहीं ऐसे कुछ करने आया था। अबे यार ये तो बहुत ज़्यादा मार दिया इसने मुझे, अब बदला लेना पड़ेगा इससे। रुको, मेरे को भी इसे कंट्रोल करने दो, वरना ये हम सबको ऐसी डैमेज कर देगा। यहाँ से निकलते हैं और ब्रिज के पास चलते हैं जल्दी से। यार ये कैसा रास्ता लिया हमने ऊपर चढ़ चढ़ के, शायद यही ब्रिज है। थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ तो और लाशें हैं। अरे नहीं यार, यहाँ तो मैं आ चुका हूँ ब्रिज के ऊपर, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अब हमें हेलीकॉप्टर को ढूंढना है भाई। एक के बाद एक परेशानी आ रही है। अरे भाई गेट के पास देखो कितने ज्यादा ज़ॉम्बी बढ़ रहे हैं। अरे रुको, तुम बाद में आ रहे हैं यार, ये मेट्रो हर जगह तो पहुंच जा रही है, तुम देख रहे हो ना, ट्रैक हर जगह है यार। कोई बात नहीं, मैं मेट्रो से यहाँ नहीं आ पाया तो क्या हुआ, कैसे भी करके मैं पहुंच तो चुका हूँ। बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसके लिए मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, तो हेलीकॉप्टर के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है यहाँ से हमें बाहर निकालने के लिए। यार नीचे मैंने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है इन्हें पता चल चुका हमारे भाई। ये ब्रिज पे क्या हो रहा है, ये बम तो मैंने फेंक दिए, और सामने की तरफ भी भाई यही हाल है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आने लग गई भाई, कैसे बचाऊँ खुद को, जल्दी मारो यार इन्हें, क्या कर रहे हो तुम सब मिलके, ये यहीं से आएंगे सारे के सारे, यहीं से इन्हें गिरा देता हूँ नीचे। अरे भाई सारे ज़ॉम्बी तो ऊपर आ चुके हैं, मैं क्या ही कर लूंगा इन सबसे, भागना ही पड़ेगा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता बिल्कुल। पता नहीं यार ये रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन मैं भाग भाग के काफी दूर आ चुका हूँ, मेरे टीममेट्स भी पीछे रह गए हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं रुका यार, पीछे ज़ॉम्बी आ रहे हैं क्या, उनको मारते रहो अगर ज़ॉम्बी आ रहे हैं तो। भाई मैंने तो गोली चलाना शुरू कर दिया, जितने भी ज़ॉम्बी आएंगे अपने आप ही मर जाएंगे। ओह भाई साउंड कितनी तेज आई उस बंदे की, भागो, रुको मत, ये सांड पागल है, चल मर जाना। अरे नहीं मर रहा भाई, और टीममेट्स को उठाओ यार, जल्दी मारो उसे। ये देखा यही हुआ, वहां पे सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल के आ गए, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। मैं तो यहाँ भाग के आ चुका हूँ, पर मैं नहीं रुकूंगा, मैं और दूर जाना चाहता हूँ। मुझे एक रास्ता मिला है जो शायद हॉस्पिटल का पार्किंग स्लॉट है, शायद यहीं से हम निकल सकते हैं, मुझे लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। पर यार यहाँ सीढ़ियों पे तो बहुत सारे ज़ॉम्बी है, तो ऑफकोर्स मुझे लिफ्ट का ही यूज करना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, थोड़ा आराम से आओ यार। चलो लिफ्ट खुल चुकी है, अब जल्दी से चलते हैं यार। हर एक लिफ्ट के अंदर ज़ॉम्बी पता है पक्का होते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं निकले, ये अच्छी बात थी। ओके ऊपर हम आ चुके हैं, लेकिन मेरे सामने तुम दो सोल्जर्स देख सकते हो, ये हमें गाइड करेंगे यहाँ से निकलने के लिए, और ये कह रहे कि यहाँ पे आम इंसान भी है तो उनको भी बचाना होगा भाई। लेकिन मुझे अपने डिफेंस को भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि 1.5 मिनट के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी आने वाले हैं। देखो मैं यहाँ पे एक मशीन गन लगा दे रहा हूँ, क्योंकि डिफेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक मशीन गन थोड़ी पास लगा देता हूँ, अगर ज़ॉम्बी यहाँ से आएंगे तो उनको आराम से मार देंगे। अबे भाई ज़ॉम्बी तो अभी से ही कूद के आना शुरू हो गए यार, कोई बात नहीं, उनको मेरे टीममेट संभाल लेंगे। मैंने यहाँ मिसाइल लॉन्चर लगा दिया, ये हुई ना बात। अरे एक भूल आ गए यहाँ पे, जल्दी मारो से। बहुत बढ़िया भाई, मुझे तो थोड़ी देर के लिए घबराहट सी हो गई थी। ओके मैं यहाँ पे बिजली भी चालू कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारे ज़ॉम्बी इसके ऊपर चढ़ के आएंगे और वो बिजली से मारे जाएंगे भाई। ये हुई ना बात, अब देखता हूँ कितने ज़ॉम्बी आते हैं भाई। बस एक सेकंड और खत्म भाई, अब सारे के सारे ज़ॉम्बी आने वाले, तो मुझे अपनी जगह को रोकना पड़ेगा। वहाँ पे छोटे वो ज़ॉम्बी बचे हुए थे जो उसको मैंने मार दिया है, लेकिन अब मुझे देखना है ज़ॉम्बी आएंगे कहाँ से। ओ भाई वो देखो स्टेडियम के अंदर कहाँ से ज़ॉम्बी आ रहे हैं, पूरा स्टेडियम अब ज़ॉम्बी से भरने वाला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था भाई। वो देखो ऊपर से भाई, ये लोग तैयार थे क्या हमारे लिए, मैंने तो लॉन्चर मार दिया है, जितने भी ज़ॉम्बी होंगे फटने चाहिए भाई। एक और लॉन्चर मारता हूँ, लगे, जितने भी पास आ चुके उनको बिजली तो लगी नहीं रही यार, बम बम मारो इनके ऊपर, ये हुई ना बात। अरे वो देखो वहाँ पे बिजली लग रही है, उन्हें यहाँ पे भी बिजली होनी चाहिए थी। मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से मारूंगा इन सबको, यहाँ से ईजी होगा, वो सारे के सारे ऊपर जाएंगे और मैं यहाँ से इन सबको मार दूंगा। अरे यार ये तो ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, रुको, मुझे घेर लिया। अरे नहीं यार गन रीलोड हो रही है, रुको, थोड़ा सबर करो यार, तुम लोग तो बहुत फायदा उठा रहे हो यहाँ पे, मैं नीचे आके खेल रहा हूँ, थोड़ा हार्ड लेवल के खेलूं, ये ज़ॉम्बी तो सर पे चढ़ जा रहे हैं यार। आज तुम्हारे लिए तोहफे रखेंगे सारे के सारे बम,
अरे फटे है भाई, रुको मशीन गन को रिलोड करना पड़ेगा। चलो भाई अब बताता हूँ तुम्हें। ओ पीछे से भी आ रहे हैं यार, ये तो लग रहा है बिल्डिंग के अंदर भी ज़ॉम्बी जाग चुके हैं। भाई मैंने एक बार लॉन्चर और चालू कर दिया, देखता हूँ कहाँ फटता है, पर यार वहाँ पे कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, नुकसान हो गया एक लॉन्चर का। ये क्या हो गया, लग रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला डिफेंस खराब हो चुका है। मुझे जाके ना बिल्डिंग के अंदर से चालू करना पड़ेगा उसे। यार ये कहाँ फंस चुका हूँ, बिल्डिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी है जो मेरी तरफ भागे भागे आ रहे हैं, और मुझे उस बिजली को चालू करना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, वही ज़ॉम्बीज को रोक के रखती है। अबे भाई ये कहाँ पे है जगह जहाँ पे इतने ज्यादा ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। रुको 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 यार, बस मैं यहाँ पे बिजली चालू करने आया हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जस्ट चालू हो जाए, एक बार चालू हो चुकी है, ठीक है रिस्टार्ट कर दिया मैंने बिजली को, अब यहाँ से निकलते हैं। भाई बाहर आ चुका हूँ। आंटी जी बहुत पागल हो चुकी थी, ये देखो यार उसने मेरे पर इन्फेक्टेड कर दिया मुझे। रुको मेरे को मारना पड़ेगा अपने अंदर थोड़ी सी वैक्सीन और फिर उसके बाद चलते हैं आगे। अब समझ नहीं आ रहा ज़ॉम्बी आ कहाँ से रहे, मैंने वहाँ पे एक मार्क कर दिया है जहाँ से। ओके समझ गया, तो रेड रेड मार्क की वजह से ना एयर स्ट्राइक हो जाती है, तो जितने भी हेलीकॉप्टर में हमारे दोस्त घूम रहे हैं सोल्जर्स, वो हमारी मदद करेंगे जहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा रेड रेड। पहले इन ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा होने दो, वो देखो। अरे भाई बिल्डिंग से कूद रहे नीचे ये सारे के सारे, इनको लाइन से मारो, रुकना मत बिल्कुल भी भाई, जरा सा भी समय दोगे ना तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रुको मैंने बम तो फेंक दिए लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो आ चुके हैं अंदर की तरफ। यार वहां पे भी मेरे को डिफेंस लगाना चाहिए था, मैंने ध्यान में नहीं था कि वहां पे भी ज़ॉम्बी आएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा संभाल लिया, गन चेंज कर लेता हूँ, हैवी राइफल ले लिया भाई। अब जितने भी ज़ॉम्बी आएंगे सबको घेर लूंगा मैं लाइन से। यार मुझे फिर से पावर की स्टार्ट करनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रिसिटी की। चलो मैं ऊपर से ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ रास्ता। अरे भाई ज़ॉम्बी तो सीधा आने लगे मेरी तरफ, इन्हें मेरी खुशबू आ गई क्या, क्योंकि मैं बिना शोर मचाया आया था। बस एक बार चालू हो जाइए, यहाँ से भागूंगा मैं। आ जाओ आज, अबे मेरी टीम में वालों मेरी मदद करो ना, ये तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मुझे नीचे भी जाना है, कहीं यहाँ से ज़ॉम्बी ना आ जाए। ओके गाइस, यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि एक सिविलियंस है जिसको मेरी जरूरत है भाई, मुझे उसे बचाना पड़ेगा क्योंकि सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं यार। अरे कितने ज्यादा ज़ॉम्बी है। अच्छा वो यहाँ बिजली लगी हुई है, रुको रुको रुको, यहाँ से पूरा मैं मार के उन्हें नीचे गिरा देता हूँ इससे पहले वो ऊपर चले जाएं। अबे यार इन्फेक्टेड हो गया मैं, फिर से मेरे को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा वैक्सीन। अब बता दो तेरे को मेरे मुंह पे मारेगा ना, ये उठा लिया मैंने बड़ी वाली आरपीजी, अब तुम्हारे शरीर पे थे मारूंगा भाई, तो भाई तो बड़ी खतरनाक मची। रुको इनको नीचे गिरा देते गोलियों से, बहुत बढ़िया, वो बंदा शायद बच चुका होगा अब तक तो। लेकिन यहाँ देखो वो वाला स्ट्रीमर क्या कर रहा है वहाँ पे, भाई ये सारे के सारे पहाड़ से कूदते हुए आ रहे हैं। पहाड़ पे भी ज़ॉम्बी रहते हैं क्या, पता नहीं, पर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मेरा पीछा करे। यार वो ज़ॉम्बी अभी भी हमारा पीछा कर रहे थे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं भाई, लग रहा है इसके अंदर ज़ॉम्बी मार रहे हैं। बुला गया भाई, सीधा सर मार करके निकल गया मेरे को। रुको खड़े होता हूँ फिर इसको बताता हूँ। भाई ये ज़ॉम्बी उसके साथ ही है, इनको भी पहले मार देता हूँ फिर उसके बाद बड़े वाले को सबक सिखाऊंगा, या उसको तो मेरी टीम ही संभाल लेगी। ओ भाई उनके ऊपर स्ट्राइक हो चुकी है, एयर स्ट्राइक सारे ज़ॉम्बियों के ऊपर, क्योंकि वो सारे हमारी तरफ भी भाग के आ रहे हैं। रुको रुको हमें एक ना इवैक्यूएशन जोन पे जाना पड़ेगा, मतलब हम है ही यार उस जगह पे। और भाई क्या तबाही मच चुकी है, मैंने वो रेड वाला सिग्नल दे दिया तो सारे के सारे उठा लेगा, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर हमें उठा कर ले जाएगा भाई। फाइनली भाई सारे अटैक कर दिया ज़ॉम्बी के ऊपर और हम यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हुए। भाई ये वाला मिशन काफी एक्टिव था यार और खतरनाक था, इस हॉस्पिटल को तो याद रखूंगा मैं। लेकिन सारे ज़ॉम्बियों को मार के तो हम बच गए, पता नहीं अगली बार क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना अगले एपिसोड के लिए। चलो बाय।